हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न विद डीए। तो लेट्स लर्न विद डीए में क्या कर रहे हैं हम लोग? कर रहे हैं बायो मॉलिक्यूल्स। मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे थक मैं आज मेरा मूड ही नहीं था कुछ डालने का, तो फिर मैंने सोचा एक छोटा सा टॉपिक रह गया हुआ है हार्मोन्स ऑफ बायो मॉलिक्यूल्स, उसको मैं फिनिश कर देती हूँ। एक्चुअली मैं सोच रही थी आज की रीच के चक्कर में मैं जो फनज़िला पे वीडियो बनाने वाली हूँ ना, डालने वाली हूँ, फन ब्लॉग मतलब वैसे पिज़्ज़ा ब्लॉग था मैं बनाया हुआ फनज़िला पे, मैंने सोचा इसमें भी वही डाल देती हूँ, तो डालूँगी इसमें भी वही डाल दूँगी, ठीक है ना। तो लेकिन फिर भी मैंने सोचा एक हार्मोन का छोटा सा टॉपिक बचा है तो आज चैप्टर ख़त्म कर ही लेती हूँ, फिर कल मैं पॉलीमर ही स्टार्ट करूँगी एक ही बारी में, है ना, न्यू माइंड से। तो हम लोग क्या कर रहे हैं पॉलीमर, ये क्या नाम है इसका, हार्मोन कर रहे हैं, बाकी सब विटामिन और क्या है न्यूक्लिक एसिड एंड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड वो मैंने पढ़ा दिया, कार्बोहाइड्रेट और क्या था और क्या क्या है क्या क्या था न्यूक्लिक एसिड कार्बोहाइड्रेट विटामिन हाँ कार्बोहाइड्रेट एंजाइम्स वगैरह ये सब मैंने, ठीक है ना। तो लास्ट टॉपिक बचा है जिसका नाम है हार्मोन्स। हार्मोन्स हार्मोन्स क्या रहते हैं, हार्मोन क्या रहते हैं, तो आज हम लोग हार्मोन पढ़ेंगे और ख़त्म करेंगे काम अपना, है ना। तो हार्मोन्स होते हैं क्या होते हैं, हार्मोन्स आर मॉलिक्यूल्स दैट एक्ट एज एन इंटरसेल्युलर मैसेंजर, ठीक है ना। हार्मोन्स क्या होते हैं, आर मॉलिक्यूल्स दैट एक्ट एज एन इंटरसेल्युलर मैसेंजर की तरह काम करते हैं, इंटरसेल्युलर मैसेंजर से एक सेल से दूसरे सेल को मैसेज पास करने का काम करते हैं हार्मोन्स। दीज आर प्रोड्यूस बाई एंडोक्राइन ग्लैंड। ये हारमोन्स कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड रहते हैं, एंडोक्राइन क्राइम नहीं है क्राइन, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड इन द बॉडी आर पोर्ड डायरेक्टली इन द ब्लड स्ट्रीम। और ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ये डायरेक्टली हमको ब्लड स्ट्रीम में डाल दिया जाता है, ठीक है ना। ये मैं नीचे बैठी हूँ, आज थोड़ी सी गाड़ियों की आवाज़ आएगी ये बर्दाश्त कर लेना क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। सो विच ट्रांसपोर्ट दैम टू द साइट ऑफ द एक्शन, ठीक है। ये जो ब्लड स्ट्रीम है तो नेचुरल सी बात है ब्लड क्या करता है, एनर्जी देने का काम करता है, ऑक्सीजनेटेड डी ऑक्सीजनेटेड प्रोटीन वगैरह सब कैरी करता है ब्लड और आपकी ओवरऑल बॉडी में भेजता है जगह जगह हर जगह। तो ये ब्लड स्ट्रीम में जाता है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है देन द जहाँ पे भी साइट ऑफ द एक्शन, जहाँ पे हार्मोन की ज़रूरत होती है वहाँ पे भेज देता है, ठीक है ना। हार्मोन्स क्या करते हैं, है ना, ज़रूरत जहाँ पे होती है वहाँ पे काम करता है। साइट क्या है, प्लेस ऑफ द जहाँ पे ज़रूरत है एक्शन, मतलब जहाँ ज़रूरत है एक्शन की वहाँ पे ये भेज देता है, ब्लड डिलीवर करता है हार्मोन्स को। सो इन टर्म ऑफ द केमिकल नेचर, अगर हम लोग केमिकल नेचर की बात करेंगे, सम ऑफ दीज आर कॉल्ड स्टीरॉइड्स। कुछ कुछ इस चीज़ को क्या बोलेंगे, स्टीरॉइड, है ना। एक्स्ट्रा स्टीरॉइड लेते हैं ना बॉडी बिल्डर्स लेते हैं ना स्टीरॉइड्स, एग्जाम्पल होगी आपकी एस्ट्रोजन्स एंड एंड्रोजन्स, ठीक है। दो तरह के स्टीरॉइड हो गए, एक आ गया आपका एस्ट्रोजन, यार कुछ ज़्यादा ही गाड़ियाँ नहीं आती हैं यहाँ पे, मैं ऊपर बैठ जाती हूँ भैया के रूम में ना, अब मेरा मन नहीं कर रहा आज एक ही टॉपिक है, मेरा मन नहीं कर रहा। तो एस्ट्रोजन हो गया एंड एक आ गया एंड्रोजन्स हो गया, ठीक है ना, एस्ट्रोजन एंड एंड्रोजन हो गया। तो सम आर क्या है, पॉलीपेप्टाइड है, सम पॉलीपेप्टाइड मतलब पॉली मतलब एक से ज़्यादा जो है वो मिक्स होके एक वो बना देते हैं स्ट्रक्चर बना दे, एक बड़ा स्ट्रक्चर बना देते हैं, तो ठीक है। एक पॉलीपेप्टाइड और सम आर पॉलीपेप्टाइड्स हो गए, जिसका नाम जो है जैसे इंसुलिन बोल सकते हैं हम लोग, इंसुलिन एंड एंडो एंडोडॉर्फिन्स बोल दिया इन्होंने, ठीक है, एंडोडॉर्फिन्स एंड इंसुलिन बोल दिया, क्या एस्ट्रोजन्स एंडोजन्स इंसुलिन एंड एंडोडॉर्फिन हो गया। एंड सम अदर आर क्या है, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स हुए, सच एज जैसे हो गया आपका नाम आ गया ई पेनीफेरिन, पेनी ई पी आई एन ई एपनी फेरीन, अब मुझे नहीं पता क्या प्रोनाउंस करते हैं, मैं अपने हिसाब से प्रोनाउंस कर रही हूँ, ठीक है, एपनी फेरीन या फिर इपाइन इपाइन फेरीन बोल देते हैं। एंड क्या है नोरी पाइन फेरीन, एन ओ आर ई नोर नोरी पाइन फेरीन, मैं एक्सेंट यूज़ कर रही हूँ अंग्रेजी बोलने के लिए नोरी नोरी पाइन फेरीन, ठीक है, नोरीपाइन फेरीन एपीफेरीन नोरीपाइन फेरीन। तो यहाँ पे हम लोग छः हार्मोन्स के नाम पढ़े हैं, एक बार फिर पढ़ेंगे फिर याद हो जाएंगे हमको। इन टर्म्स ऑफ द केमिकल नेचर सम ऑफ दी स्टीरॉइड्स जो होते हैं, स्टीरॉइड स्टीरॉइड कौन कौन से हैं, स्टीरॉइड कौन कौन से हैं याद करेंगे ना, साथ साथ में याद करेंगे ना, ठीक है ना, मैं याद भी करा दूँगी आपको। एक आ गया आपका एस्ट्रोजन ई एस टी आर ओ जन, एंड दूसरा आ गया एंडो ए एन ए एन ई ए एन डी आर ओ एंड्रोजन्स, ठीक है, ये स्टीरॉइड्स है एस्ट्रोजन एंड एंड्रोजन, ये स्टीरॉइड है, ठीक है। आगे पॉलीपेप्टाइड आगे जिसकी एग्जांपल है पॉलीपेप्टाइड, एक आपका आ गया इंसुलिन, ये भी सुना हुआ आपने, इंसुलिन एंड एंडो एंडोफेरिन एंडो एंडोफिन फिन नहीं फ्रीन नहीं पिन फिन एंडोफिन्स, ठीक है, इंसुलिन एंड एंडोफिन ये पॉलीपेप्टाइड है, ठीक है।
ठीक है, स्टीरॉयड था एस्ट्रोजन एंड एंड्रोजन, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड आ गया आपका इंसुलिन, जाने दो इसको, जाने दो, इंसुलिन एंड एंडोफिरिन, ठीक है, एंड्रोफिरिन, ई एन डी आर ओ एंड्रोफिरिन। अच्छा लास्ट में है अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स जो हो गए, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स हो गए। अभी हमने अमाइनो एसिड ऊपर पढ़ा ना, वहाँ से डेरिवेटिव है, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव है जिसका नाम है, एक का नाम है एपनी, ठीक है, एपनी फिरिन, ई पी एपाइन, एपनी नहीं एपाइन बोलेंगे हम लोग, एपाइन फिरिन, एंड दूसरा है आपका नोर एन ओ आर ई, नोर पाइन फिरिन, ठीक है, नोर पाइन फिरिन, ओके, दो छः आ गए, छः नाम हमने अपनी पापी पढ़े, ठीक है, एस्ट्रोजन एंड्रोजन इंसुलिन एंडो एंडोडॉर्फिन एंडोर्फिन एंड अमाइनो एसिड डेरिवेटिव सच एज एफाइरिन एपाइरिन एपाइपाइन एपाइन फिरिन एंड नॉरपाइन फिरिन, ठीक है। सो हार्मोन्स हैव सिविल फंक्शन ऑफ द बॉडी, हार्मोन सिविल फंक्शन होते हैं उस बॉडी के अंदर, दे हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द बायोलॉजिकल एक्टिविटी इन द बॉडी, ये हेल्प करते हैं मेंटेन करना, बैलेंस करते हैं बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में बॉडी के अंदर, बैलेंस करते हैं, बैलेंस का काम करते हैं। द रोल ऑफ इंसुलिन का क्या, अब इंसुलिन का क्या रोल है, इज़ कीपिंग द ब्लड और ब्लड ग्लूकोज लेवल विद इन द नैरो लिमिट इन, इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फंक्शन ऑफ इंसुलिन, ये ग्लूकोज ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है इंसुलिन। द रोल ऑफ इंसुलिन की क्या है, इन कीपिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज में ब्लड का लेवल, सॉरी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है वो क्या करता है, बैलेंस करता है, देख रेख करता है उसकी विद इन द नैरो लिमिट, कम ना हो जाए उसको चेक करता है, इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ दिस फंक्शन। एंड इंसुलिन क्या करता है, इज़ रिलीज इन रिस्पॉन्स ऑफ रैपिड राइज इन द ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है। इंसुलिन कब राइज करता है, रेज करता है जब उसको लगता है कि ये यहाँ पे ब्लड में रैपिड राइज हो गया है ग्लूकोज लेवल पे। ऑन द अदर हैंड जो हार्मोन होते हैं जैसे कि ग्लूकोजन, ग्लूको जी एल यू का गॉन, ग्लूकागॉन टेंड्स करता है टू इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड, ठीक है ना, क्या करता है, इन अदर वर्ड्स हार्मोन्स ग्लूकागॉन्स टेंड करता है टू इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। एंड द टू हार्मोन्स टुगेदर, दो हार्मोन टुगेदर क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं ग्लूकोज लेवल को ब्लड के अंदर, ठीक है, कौन कौन सा, इंसुलिन हो गया और यानी दूसरा हो गया ग्लूकागॉन्स हो गया, जी एल यू सी ए गॉन, ऊपर हमने छः पढ़े थे ना, ये इसका साथी होगा इंसुलिन का, टेन टू ये दोनों क्या मिलके क्या करते हैं, क्या करते हैं, ग्लूकोज लेवल को ब्लड में इंक्रीज, टेन टू इंक्रीज द, ऑन द अदर हैंड हार्मोन ग्लूकोज टेन टू इंक्रीज, ये इंक्रीज करवाता है वो रेस, जब ज़्यादा हो जाए तो उसको बैलेंस करता है या फिर उसको देख रेख करता है, और यहाँ पर ग्लूकाजन क्या करता है, इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड को इंक्रीज करता है। ये जो टू हार्मोन्स टुगेदर रेगुलेट करते हैं ग्लूकोज लेवल को ब्लड में, एक कम करता है एक ज़्यादा करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया एपी एपाइन फेरिन एंड नोरापाइन फेरिन, क्या करता है, मीडिएट करता है, ये दोनों इकट्ठे क्या करता है, रिस्पॉन्स करते हैं कहाँ पे, एक्सटर्नल स्टिमुलाई पे। स्टिमुलाई क्या होता है, छुअन है ना, किसी चीज़ को बड़ा बढ़ोतरी देना, किसी चीज़ को शाबाशी देके आप स्टिमुलाई हो जाते हो ना कभी कभी आप बहुत ज़्यादा, अच्छा किसी चीज़ को जब तक आप छुओगे नहीं, जब तक आप रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तब तक आपकी अंदर क्यूरियोसिटी रहती है। स्टिमुलाई होता है जब आपका माइंड जो होता है किसी चीज़ में रिलैक्स हो जाता है कि अब तुम्हें क्यूरियोसिटी नहीं है, है ना, इस क्यूरियोसिटी को ख़त्म करने के लिए हम लोगों को स्टिमुलाई शांत भी करता है, शांत करने का काम करता है एक तरह से, अगर हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूँ तो हमें शांत, हमारी क्यूरियोसिटी को शांत करने का काम करता है स्टिमुलाई। तो ग्रोथ हार्मोन्स एंड द सेक्स हार्मोन्स क्या करते हैं, प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ, ठीक है ना, ये जो दो तरह के हार्मोन्स होते हैं इनका हो गया ना, अब ग्रोथ हार्मोन और सेक्स हार्मोन क्या करते हैं, प्ले रोल इन द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट में काम करते हैं, नेचुरल सी बात है, सेक्स हार्मोन क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन में काम करते हैं, ग्रोथ हार्मोन आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काम करते हैं ना। नेक्स्ट आपका आ गया थे थायरोक्सिन प्रोड्यूस इन द थायरॉयड ग्लैंड इज एन आयोनेटेड डेरिवेटिव ऑफ द एमाइन एसिड ट्राइसिन, ये जो थायरोक्सिन है ये प्रोड्यूस करता है थायरॉयड ग्लैंड के अंदर, इज एन क्या है, आयोनेटेड आयोनेटेड डेरिवेटिव ऑफ एमाइनो एसिड ट्रायोसिन, ठीक है। एबनॉर्मल लो लेवल ऑफ द ट्रायोक्सिन लेड करता है, ये जो एबनॉर्मल लो लेवल ऑफ द ट्रायोक्सिन लेड करता है क्या करता है, टू द हाइपोथायरॉयडिज्म विच इज़ करेक्टराइज बाय द लेथर्जिनस, क्या करता है, लेथर्जी मतलब सुस्ती बढ़ना एंड द ओबेसिटी मतलब मोटापा होना, कौन सा वाला ग्रैंड, ये हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है, ये करैक्टराइज करता है लेथर्जीनेस और ओबेसिटी को, ओबेसिटी मतलब मोटापे को, इंक्रीज लेवल ऑफ अगर थायरॉयड इंक्रीज कर जाता है तो इससे क्या हो जाता है, ये वाली बीमारी हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है,
लो लेवल ऑफ आयोडीन क्या करता है डाइट के अंदर, अगर आयोडीन की कमी हो तो इससे क्या होता है हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, और इससे क्या होता है थायरॉयड ग्लैंड गेंगा गोटर है ना उससे बीमारी हो जाती है, थायरॉयड ग्लैंड बड़ा हो जाता है। दिस कंडीशन इज लार्जली बीइंग कंट्रोल बाय एडिंग सोडियम आयोडाइड टू द कमर्शियल टेबल सॉल्ट। तो इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, आयोडीन की कमी को इसमें कंट्रोल कर सकते हैं, आयोडीन सॉल्ट में जो टेबल सॉल्ट होता है हमारा उसमें पूरा कर सकते हैं हम लोग आयोडीन की कमी को, ठीक है, इस हाइपोथायरॉयडिज्म को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया स्टीरॉयड हार्मोन्स। स्टीरॉयड हार्मोन्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, बाय द एड्रिनल कोटेक्स एंड द गोनाड्स। गोनाड, गोनाड क्या है, जी ओ एन ए, गोनाड्स का नाम सुना होगा आपने है ना, टेस्टीज ऑफ मेल एंड ओवरीज इन द फीमेल। गोनाड्स क्या है फिर से बोलेंगे, स्टीरॉयड कंट्रोल करता है प्रोड्यूस करना एड्रीनल कोटेक्स एंड द गोनाड्स, मतलब दोनों के दोनों मेल और फीमेल जो उनके पार्ट्स हैं, टेस्टीज इन द मेल एंड ओवरीज इन द फीमेल के अंदर द एड्रीनल, ये जो हार्मोन रिलेटेड होते हैं, बाय दिस एड्रीनल कोटेक्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फंक्शन ऑफ बॉडी, ऑब्वियसली है ना, मेल और फीमेल के हार्मोन्स कंट्रोल नहीं करें वो करेंगे तो फिर पैदावार कैसे होगी। एड्रीनल कोटेक्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फंक्शन ऑफ द बॉडी के अंदर, एंड फॉर एग्जाम्पल हो गया आपका है आ गया ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स, GLUCOCORTICOIDS, ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स कंट्रोल करता है, फॉर एग्जाम्पल ये नाम याद रख लो, कंट्रोल करता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को, मॉड्यूलेट करता है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन को, एंड आर इन्वॉल्व इन द रिएक्शन ऑफ स्ट्रेस, ठीक है ना, ये इन्वॉल्व होता है रिएक्शन ऑफ स्ट्रेस के अंदर। एंड द मिनरल ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स कंट्रोल करता है लेवल ऑफ एक्सक्रीशन इन द बॉडी के अंदर, एक्सक्रीशन सिस्टम जो होता है बॉडी के अंदर मेंटेन करता है, इसको कंट्रोल करता है। एक्सक्रीशन क्या होता है, रिमूव करना, एंड सॉल्ट बाय द सॉइल मे बी सॉल्ट किडनी के अंदर, क्या द मिनरल ग्लूकोकोर्टिकॉइड ग्लूकोकोर्टिकॉइड कंट्रोल करता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलिज्म, ठीक है, मॉड्यूलेट करता है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन को, इन्वॉल्व करता है ये जो रिएक्शन स्ट्रेस होती है हमें उसको कंट्रोल करता है। एंड नेक्स्ट आपका आ गया मिनरलो कोटाकॉइड कंट्रोल करता है द लेवल ऑफ एक्सक्रीशन इन द बॉडी, है ना, बॉडी के अंदर एक्सक्रीशन सिस्टम, पानी अगर निकलता जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, एंड सॉल्ट भी किडनी के अंदर प्रॉब्लम जो क्रिएट करता है, तो इसलिए वाटर एक्सक्रीशन को कंट्रोल करता है मिनरल कोटाकॉइड्स। सो एंड एड्रीनल कोटेक्स, एड्रीनल का नाम तो हर कोई सुन के रखा हुआ है, डज नॉट फंक्शन करता है प्रॉपरली इन द रिजल्ट मे बी, ठीक है, प्रॉपरली देन वन ऑफ द रिजल्ट मे बी कॉल्ड एडिसन डिजीज, करेक्टराइज बाय द एडिसन डिजीज, उनके नाम पे बड़ा होगा ना, उन्होंने ढूंढा होगा। तो एड्रीनल कोटेक्स डज नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं करता प्रॉपरली व्हेन वन ऑफ द रिजल्ट मे बी एडिसन डिजीज आ जाता है, तब नहीं काम करता एड्रीनल कोटेक्स, क्या नाम है उसका, करेक्टराइज बाय द हाइपोग्लाइकोमेनिया, GLYCEMIA, ग्लाइकामिया, हाइपोग्लाइकामिया, ठीक है, HYPO, हाइपोग्लाइकामिया, वीकनेस हो गया, एंड कहाँ पे है, इंक्रीज द सस्पेक्टेबिलिटी टू स्ट्रेस, ठीक है ना, यहाँ पे एडिसन डिजीज करेक्टराइज, एडिसन डिजीज होने से क्या हो जाता है हाइपोग्लाइकामिया, मिया एम ए आई माए ग्लाइकामाए हाइपोग्लाइकामाए वीकनेस इंक्रीज, एंड इंक्रीज द सस्पेक्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रेस लेवल इंक्रीज कर देता है, द डिजीज इज फेटल हो जाता है, फेटल मतलब आपको बीमार होना शुरू हो जाते हैं, आप वीक हो जाते हैं, अनलेस इट वॉज ट्रीटेड बाय द, मतलब ये लॉन्ग टर्म तक चलता है ये वाला डिजीज, इसको क्योर नहीं करेंगे तो, ग्लूको ट्रीटेड बाय द ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स एंड मिनरल कोटाकॉइड्स, जो ऊपर नाम लिए ना हम लोगों ने, कंट्रोल करता है एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड कंट्रोल करता है एक कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, इन दोनों को ज़रूरत पड़ जाती है फेटल, अनलेस द ट्रीटमेंट बाय द, ये इन दोनों का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो, हार्मोन रिलीज करता है बाय द गोनाड्स, गोनाड्स कहाँ पे, फीमेल में, फीमेल में, तो ये जो हार्मोन रिलीज करता है गोनाड्स के अंदर रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द सेकेंडरी सेक्स करेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं हार्मोन्स ये वाले, ठीक है, जो गोनाड्स ऑफ द मेल और फीमेल से निकलते हैं। टेस्टोस्टेरोन इज द मेजर सेक्स पार्ट ऑफ द प्रोड्यूस बाय द मेल, है ना, टेस्टोस्टेरोन पता ही है, टेस्टोस्टेरोन जो है वो मेल के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायरेक्ट डिवेलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी मेल करेक्टर, ठीक है ना, और इसी से ही सेकेंडरी मेल करेक्टर निकलता है, जैसे डीप वॉइस, आदमियों की वॉइस डीप होती है, मुंह के ऊपर बाल आते हैं, फेशियल हेयर्स होते हैं, जनरल फिजिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आगे मेल मेल में जो डिफरेंस होती हैं, एंड एस्ट्रोडियोल
STRADIOL इज द मेन. अच्छा लड़कों के अंदर हो गया आपका, क्या हो गया क्या है टेस्टोरोन, टेस्टोरोन मेल मेल के अंदर है. एंड ESTRADIOL ईस्ट्राडियोल इज़ द मेन सेक्स हार्मोन है फीमेल का, ठीक है ना. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी फीमेल करेक्टर जो होते हैं एंड पार्टिसिपेट इन द कंट्रोल ऑफ मैंसुरल साइकिल. फीमेल में क्या मेन मेन पार्ट होता है, वो मैंसुरल साइकिल होता है उनमें फीमेल्स में, ठीक है ना, और उनके बॉडी के पार्ट्स में का फ़र्क होता है थोड़ा सा. प्रोजेस्टेरोन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द, ये जो प्रोजेस्टेरोन होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रिपेयरिंग द यूटरस फॉर इम्प्लीमेंट द फर्टिलिटी ऑफ द फर्टिलाइज एग. ये जो प्रोजेस्टेरोन लेवल होता है रिस्पॉन्सिबल होता है इन प्रिपेयरिंग द यूटरस के अंदर, ये जो फर्टिलाइज एग चला जाता है ना उसके वो क्या बोलते हैं फर्टिलाइज, हाँ एग होता है उसको इम्प्लीमेंट करता है, उसको इकट्ठा करके रखता है कौन, यूटरस. इसी के साथ हार्मोन सिस्टम भी खत्म हो गया, तो हार्मोन के बारे में इन्होंने बता दिया थोड़ा 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 थोड़ा. इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर हो जाता है ख़त्म, ठीक है. मैंने ख़त्म करा दिया आपको, मैंने आपको कल बोला था, क्या बोला था कि मैंने आपको क्वेश्चन आंसर करवाने हैं, तो आई थिंक ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इसमें तो निकालने वाला कुछ है नहीं है. पिछले चैप्टर्स के मैंने कराए थे क्योंकि उसमें था रिएक्शन वगैरह थी, तो इसलिए मैंने साथ साथ में करा दिए थे इंटेक्स क्वेश्चन. इसको क्या है, वाई कैन नॉट ये विटामिन सी स्टोर इन द बॉडी, विटामिन सी हमारी बॉडी में स्टोर क्यों नहीं होता, विटामिन सी एक्सटर्नल है ना हमारी बॉडी में स्टोर क्यों नहीं होता. ब्लड क्या करता है कॉन्स्टेंटली फ्लो आउट कर देता है ना हर चीज़ को, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है इसलिए. ब्लड क्या होता है वाटर सॉल्युबल होता है, सिंपल आंसर है ना, ब्लड क्या है वाटर सॉल्युबल है, दैट्स वाई इट कांट बी स्टोर इन द बॉडी, सिंपल. फैट सॉल्युबल होता बात अलग होती, वाटर सॉल्युबल है ना, सिंपल सा आंसर है इसका. वट प्रोडक्ट वुड बी फॉर्म्ड when the nucleotide from the DNA contain thalamine in is hydrolyzed, बताओ आप बताओ, मैंने नहीं बताना ऊपर पढ़ाया हुआ, इतना आसान सा तो है. न्यूक्लियोटाइड जब DNA contain करता है thalamine is hydrolyzed होता है तो फिर क्या contain करता है, क्या कौन सा वाला product निकलता है, ऊपर पढ़ो. when RNA को reduce ये hydrolyze कर दिया जाता है, चार products निकाले थे हम लोगों ने, चार products मिलकर DNA बनाते हैं, एक product हटा दो उसमें से तो एक extra डाल दो U वाला, उसमें RNA बन जाता है. इज हाइड्रोलाइज देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ द डिफरेंट बेसिस ऑफ द ऑप्टेन. यहाँ पे है, यहाँ पे दिया हुआ है ऊपर RNA DNA के चक्कर आंसर्स दिए हुए हैं छोटे छोटे, तो उन्होंने बताए हुए हैं है ना. जेम्स डी वॉटसन की बात भी कर रहे थे हम लोग, और भी है पॉली न्यूक्लियोटाइड वगैरह की, मैं नहीं बताऊँगी आप बताओ, ये आसान ही है. वट डज द फैक्ट सजेस्ट दैट द स्ट्रक्चर ऑफ RNA, या क्या फैक्ट जो है वो बता रहा है हम लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ RNA और DNA के स्ट्रक्चर में क्या ही फर्क आ रहा है, तो ये आप लोग देख लो. इसी के साथ ये वाला चैप्टर खत्म होता है, समरी है, ये समरी है, कुछ नहीं है इसमें. कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन विटामिन पॉलीमर्स क्या होते हैं, विटामिन क्या होते हैं, एंड न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, RNA DNA क्या होता है, एंड ये हार्मोन्स आ गए, ठीक है. तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर जो कि मुझे बड़ा मज़ा आया, मेरे को ये वाले चैप्टर्स बहुत मज़ा आता है, पता नहीं क्यों, थ्योरी होती है ज़्यादा रिएक्शन नहीं होती, मेरे को बड़ा मज़ा आता है. आई लव केमिस्ट्री, ठीक है. मैंने 8 साल के बाद MSc की थी, MSc मैंने 8 साल के बाद की थी. 11th 12th जो है वो मैंने अच्छे से नहीं पढ़ी थी, सच्ची बोल रही हूँ, क्योंकि मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हुई हूँ और मैं जो है जैसे कि आपको पता है मैं मल्टी टैलेंटेड टाइप की लड़की हूँ, तो आपने मेरा फन सिला तो देख ही लिया होगा. तो मैं ना अलग अलग चीज़ों में हर जगह पार्टिसिपेट करती रहती थी, डांसिंग सिंगिंग एंकरिंग, तो सारे टीचर मेरे को बड़े खुश होकर बुलाते थे, दीपिका आ जा दीपिका आ जा. उसी के साथ चक्कर में क्या होगा, मेरी स्टडी में मैं वीक हो गई, ठीक है. अब क्या हो गया, मेरी केमिस्ट्री जो है वो एक मेरा पेट सब्जेक्ट रह गया कि मुझे पसंद है, लेकिन फिर भी होता है ना कुछ कुछ चीज़ें जो होती हैं हमने अपने टाइम पर अच्छे से लर्न नहीं की होती हैं, इसी वजह से हम रह जाते हैं, ठीक है ना. तो मैं गवर्नमेंट स्कूल की गलती नहीं कर रही, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट स्कूल में टाइम टू टाइम पेपर नहीं होते हैं, लास्ट में एक ही बार उन्होंने प्री बोर्ड्स लिए थे ना, ऑल एंड ऑल इतने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं होते बच्चों के लिए, प्राइवेट वाले ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो इसलिए मैं एज अ टीचर एज अ गाइड आपको वो एक सिंपल सा वो दे रही हूँ, आपको नोट दे रही हूँ, अगर आप गवर्नमेंट स्कूल के हो या फिर प्राइवेट स्कूल के हो भैया, स्टडी स्टार्टिंग में करो और समझ के करो. जब आप अपनी बुक्स पढ़ोगे, NCERT की बुक्स सारी की सारी रीड करोगे, ठीक है, NCERT कंप्लीट करोगे, आपको साइंस जो है वो मक्खन लगेगी, सच्ची बोल रही हूँ. कुछ नहीं है इसमें, कोई टफ नहीं है, बस आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और कुछ नहीं है, ठीक है. अगर आप मल्टी टैलेंटेड भी हो, अगर मैं भी हो, मेरे सामने कोई मल्टी टैलेंटेड बच्चा आ जाता है, मैं उसको भी कंट्रोल कर लूँगी, मुझे पता है मैं उसको भी 90+ दिलवा सकती हूँ, क्योंकि अब मैं टीचर हूँ, मैं समझती हूँ इस चीज़ को, मेरे टाइम पे किसी ने मुझे समझाया नहीं, ठीक है ना. फिर भी मैंने MSc ज़िद में आके करी ली किसी तरह से, गवर्नमेंट सीट निकाल के, चाहे वो कल्चरल बेस पे ही है ना. तो इसलिए मैं एक टीचर हूँ, मेरा काम है पढ़ाना और मुझे पसंद है पढ़ाना, ठीक है ना.
मेरी गवर्नमेंट जॉब है नहीं है इससे आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, मैं आपको अच्छा पढ़ाती हूँ और आपको अच्छा रिस्पॉन्स और आपको अच्छा इंसान और इंटेलिजेंट बना सकती हूँ, मेरे लिए इतना काफ़ी है। तो कोई एड्स नहीं, कोई कुछ नहीं, बस अपने बारे में थोड़ा सा बता दिया मैंने आपको। तो आपने क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना, पढ़ो, मैं पढ़ा रही हूँ और आप पढ़ो। एंड सेकेंड थिंग, एक और चीज़, प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट, क्योंकि मुझे ज़रूरत है आपकी, आई नीड योर हेल्प, ठीक है ना। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, ओके। एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर देना सो दैट आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा दूसरा चैनल है फंजिला आर्ट्स, उसमें मैं ब्लॉग्स, पेंटिंग्स एंड ऑल बनाती रहती हूँ, ठीक है ना। तो फन ब्लॉग एक बनाया था, वो मैं आज के आज दोनों में ही डाल दूँगी, फंजिला में भी डाल दूँगी और लेट्स लर्न में भी डाल दूँगी, देखते हैं कुछ होता है या नहीं होता। सो आई नीड यू, यू नीड मी, ठीक है ना। बाकी बहुत सारे टीचर्स हैं आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, मैं भी उनमें से एक हूँ, लेकिन क्या पता मैं कुछ डिफरेंट हूँ आपसे, बाकियों से, है ना। तो मेरे पास बड़े बड़े बोर्ड नहीं है आपको दिखाने के लिए, लेकिन मैं खुद ज़रूर हूँ, मैं और मेरी वॉइस और मेरे समझाने का ढंग और मेरा एक्सपीरियंस, बस यही है मेरे पास आपको देने के लिए। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, बाय बाय, सी यू, टाटा, सायोनारा, मिलते हैं दोबारा। पढ़ो, मस्त रहो और जो करना करो, ऐश मारो, ठीक है ना, और अच्छे से लर्न करो।